राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। चींटी और हाथी। जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती। वहां एक हाथी भी रहता था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती। एक दिन चींटी ने हाथी से कहा, तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं। हाथी बोला, चुप रहो, मैं चाहे जो करूं तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ, चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई। हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी परेशान होने लगा।
उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया। पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली, परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो। हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा। चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली, किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। चींटी और हाथी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर। कलाकार राखी जैन, पोर्शिया मुखर्जी और मंगत राम। ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।